हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आपके साथ आज हम बनाएंगे फलाहारी चिला। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप सवा के चावल। चावल को मैंने सबसे पहले अच्छे से 2 से 3 बार धोकर इसे 2 घंटे पहले पानी में भिंगो दिया था। हमारे भिंगे हुए चावल तैयार है। इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसे हम मिक्सी में अच्छा बारीक पीसेंगे। इसमें आप 1-2 टेबल स्पून पानी डाल ले और अच्छा महीन पेस्ट बनाकर तैयार कर ले। चावल हमने पीस लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे किसी भी लौकी। लौकी मैंने यहाँ पे लिए लगभग आधी कटोरी। आप लौकी की जगह पर कद्दू का भी यूज कर सकते हैं। सेंधिया नमक स्वाद के हिसाब से। अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्च ली है और 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है जिसे मैंने बारीक पीस लिया है। 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। यदि आप व्रत में हींग यूज करते हैं तो 2 पिंच हींग डाल लें। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दही। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यदि आप व्रत में हल्दी यूज करते हैं तो थोड़ी सी आप इसमें हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम बैटर को लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। इस समय यदि आप देख लें कि आपको बैटर कुछ ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पतला करें। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको चीले के लिए रखनी है। अब हम चीले बनाते हैं। मैंने गैस पर एक तवा रखा है। तवा हमारा गर्म हो गया है। तवे को हम एक बार थोड़ा चिकना कर लेते हैं। चम्मच या कटोरी, जिससे भी आपको सुविधा हो, थोड़ा सा बैटर लेंगे और इस तरीके से हम तवे पर इसे फैला देंगे। आसपास थोड़ा सा घी या तेल, जो भी आप चाहें वो डालेंगे और चीले को हम थोड़ा सिकने देंगे। चीले की ऊपरी सतह शुष्क हो गई है, इसे हम पलटा देते हैं। फिर से हम आसपास घी डालेंगे और इस तरीके से हम अलटते पलटते हुए चीलों को अच्छा कुरकुरा सा सेक लेंगे। देखिए, हमारा चीला अच्छे से सीख गया है। इसे हम अलग निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम सारे चीले बना लेंगे। देखिए, हमारे फलाहारी चीले बनकर तैयार है। एकदम सॉफ्ट हमारे चीले बने हैं। चीले को आप दही या हरी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस नवरात्रि फलाहारी चीले बनाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।